हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सब? ये जो ब्लॉग है ये मैं मॉर्निंग से शुरू कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे हस्बैंड और मेरे बच्चे उठ गए थे तो मैं फटाफट से ये बेड जो है वो सेट कर दूँगी। अगर आप मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले बेड को समेट लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि आपके उस रूम का काम जो है ना वो ख़त्म हो गया। अगर नहीं समेटते तो ऐसे लगेगा बहुत सारा काम बिखरा हुआ है। तो सबसे पहले मैं उठकर, जब मेरे बच्चे बच्चे मेरे हस्बैंड सब उठ जाते हैं, तो सबसे पहले मैं बेड को क्लीन कर देती हूँ। और बस यहाँ पर मैं थोड़े से टॉयज़ जो थे, जो एकम के बिखरे हुए थे, उनको भी सेट करके रख दूँगी। रात को ना हस्बैंड मार्केट गए थे तो वहाँ से कुछ सब्ज़ी लेकर आए थे, जो मैंने रात को ही अच्छी तरह से ना वाटर से अच्छी तरह से इसको क्लीन करके डाइनिंग टेबल पे रख दिया था सूखने के लिए। अब मैं इनको भी समेट के अच्छी तरह से रख दूँगी। मैं यहाँ पर किस तरह से अपनी वेजिटेबल्स को स्टोर करती हूँ मैं आपको वही बता रही हूँ। पहले चेक कर लीजिए, ये सारी सब्ज़ियाँ सूख गई, इनमें पानी तो नहीं है हल्का हल्का सा। इस तरह के बैग जो होते हैं ना, ये हमें जब भी हम मॉल वगैरह जाते हैं, कोई सामान खरीदते हैं, तो उनके साथ ऐसे बैग जो हैं मिल जाते हैं। तो मैं इनको कैसे यूज़ करती हूँ, इनको मैं अपनी वेजिटेबल्स स्टोर करने के लिए यूज़ करती हूँ। इनमें वेजिटेबल्स जो हैं वो एकदम अच्छी रहती हैं, ख़राब भी नहीं होती हैं। तो ये एक ऑर्गेनाइज़र के तरीके से मेरा काम करता है। यहाँ पर भिंडी भी सूख गई थी अच्छी तरह से, तो मैं इसको इसमें सारी भिंडी डाल दूँगी। यहाँ पर अगर देखिए, अगर आपको भिंडी की सब्ज़ी जैसे आज बनानी है, शाम को बनानी है, या कल मॉर्निंग में बनानी है, तो आप इसको स्टार्ट पॉइंट्स और इसके एंडिंग पॉइंट्स आप इसको काट सकते हो, काट के रख सकते हो। और जब आपको बनानी हो बस काट कर फटाफट से तड़का लगा दीजिए। दूसरे बैग में मैं यहाँ पर सारी तुरई की सब्ज़ी और ये टींडे भी थोड़े सूख गए थे तो ये भी साइड में रख दूँगी। दो बैग्स जो हैं वो मेरी रेडी हो चुके हैं। मैंने पहले भी ना एक वेजिटेबल स्टोर को वीडियो बनाई थी, अगर आपको देखना होगा तो मैं उसका लिंक जो है वो अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूँगी, आप एक बार ज़रूर चेकआउट कीजिएगा। उसमें क्या है कि सिर्फ आपको 15 मिनट ही लगेंगे सिर्फ अपनी सब्जी को रेडी करने के लिए। बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो हम छील कर भी रख सकते हैं और आप उनको यूज़ भी कर सकते हैं और ख़राब नहीं होती हैं सब्ज़ियाँ। कुछ जो सब्ज़ी रहती है ना, जैसे अभी यहाँ पर मेरे पास परवल है, यहाँ पर परवल अगर आप अभी लेकर आए हैं और अगर आप इसको फ्रिज में रख दोगे ना तो ये सूखने स्टार्ट हो जाएंगे। और अगर आप इनको लाकर वॉश कर इनकी छिलका उतार कर इनको कट करके रख दोगे तो 2-3 दिन आराम से ये फ्रिज में निकल जाते हैं और कोई भी चीज़ में ख़राब नहीं होती है। बस आपको एयर टाइट में रखना होगा कंटेनर में इनको। इनको मैं अभी काट कर छील के रख दूँगी। और यहाँ पर मेरी फ्रिज की जो ट्रे है वो मैंने सेट कर ली है, सारी सब्जियाँ मैंने इसमें रख ली हैं। यहाँ पर मैंने बॉइल्ड पोटैटो भी करे थे, वो भी मैं साथ में रख दूँगी। बस अब मैं यहाँ पर बैठ के परवल और अदरक को अच्छी तरह से छील के काट कर रख लूँगी। अदरक को तो मुझे ग्राइंड करना है तो मैं इसको छोटे छोटे डाइसेस में काट लूँगी, उसके बाद ये आराम से ना ग्राइंड हो जाते हैं।
और यहाँ पर देखिए मैंने परवल को भी छील कर रख लिया है एयर टाइट कंटेनर में। मुझे ये सब्ज़ी सुबह बनानी है तो मैंने इसको काट कर रख कर दिया है, और आराम से 2-3 दिन अच्छे तरह से अगर मैं नहीं भी बनाऊँगी तो 2-3 दिन चल जाएगी। और यहाँ पर देखिए मेरा अदरक जो है वो भी मैंने काट लिया है, अब मैं इसको सबसे पहले ग्राइंड करूँगी। ग्राइंड करके आप इसको फ्रीज़र में फ्रीज कर देंगे ना तो ये ख़राब नहीं होता है, आराम से आपका 15-20 दिन चल जाता है। एक ही बारी में तो नहीं होगा, आपको धीरे धीरे इसको करना होगा। देखिए इस तरह से इसको ना ट्रे के अंदर आप इस तरह से इसको फ्रीज करके रख सकते हैं। मैंने इसको फ्रीज़ कर दिया था और 1-2 घंटे बाद आप देखोगे ना तो ये अच्छी तरह से आइस क्यूब की तरह हो जाते हैं। बस आप इसको एयर टाइट कंटेनर में भरकर इसको फ्रीज़र में ही रख लें। अब यहाँ पर मैंने लहसुन को भी ना अच्छी तरह से छील लिया था और इसको भी ग्राइंड कर दिया है, और सेम प्रोसेस इसके साथ भी रहेगा। आपको ये मेरी वीडियो कैसी लगी हो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।